एक गलत फैसला सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले सकता है। कई बार इंडोनेशिया में चुनाव करवाने के गलत तरीके ने करीब 300 लोगों की वहां पर जान ले ली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया में वोट गिनते गिनते 300 लोगों की मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, वोट गिन रहे 1878 सरकारी कर्मचारी बुरी तरह बीमार पड़ गए हैं। ये संख्या श्रीलंका में हुए आतंकवादी हमले में मरने वालों की संख्या के आसपास है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह घटना कितनी गंभीर है। इंडोनेशिया में वोट डालने के लिए बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल होता है, वहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता हमारे देश की तरह। ये खबर आज उन सभी नेताओं को भी ध्यान से देखनी चाहिए जो भारत में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने का समर्थन करते हैं। 17 अप्रैल को इंडोनेशिया में चुनाव हुआ था। इंडोनेशिया में 15 करोड़ लोगों ने वोट डाले। इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने खर्च कम करने के लिए, पैसा बचाने के लिए राष्ट्रपति पद के चुनाव और क्षेत्रीय चुनाव एक साथ करवा दिए। हर वोटर ने कम से कम 5 वोट डाले, यानी चुनाव आयोग को करीब 75 करोड़ वोटों की गिनती करनी पड़ी। 17 अप्रैल से वहां पर वोटों की गिनती जारी है। ये गिनती अब तक यानी आज तक भी खत्म नहीं हुई है और माना जा रहा है कि 22 मई तक इंडोनेशिया में वोटों की ये गिनती पूरी हो पाएगी। 17 अप्रैल को जब इंडोनेशिया में सिर्फ 8 घंटे के अंदर 80% लोगों ने अपना वोट डाला, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इंडोनेशिया की काफी प्रशंसा हो रही थी। अब आप सोचिए, इतने 15 करोड़ लोगों ने 8 घंटे के अंदर, एक ही दिन में 8 घंटे के अंदर अपने वोट डाल दिए। लेकिन अब पूरी दुनिया में इंडोनेशिया की बदनामी हो रही है। इंडोनेशिया में वोटों की गिनती के लिए 70 लाख लोगों की नियुक्ति की गई थी। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी अस्थाई हैं। सरकारी कर्मचारियों की तरह इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच नहीं की गई थी। ये सभी लोग अपने हाथ से बैलेट पेपर्स गिन रहे थे। जल्द से जल्द अंतिम चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए इन्हें दिन रात लगातार काम करना पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों की मौत की वजह ओवरटाइम, थकान और गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं। इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने मृत व्यक्तियों के परिवारों को करीब 1,75,000 रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। जिस मतगणना की वजह से करीब 300 लोग मर चुके हैं, उस पर विपक्ष को विश्वास नहीं है। इंडोनेशिया में विपक्ष के नेता वहां की मौजूदा सरकार पर चुनाव में धांधली करने का अब आरोप लगा रहे हैं। इंडोनेशिया में करीब 20 करोड़ वोटर हैं और भारत में करीब 90 करोड़ वोटर हैं। अब विचार कीजिए कि अगर भारत में इसी तरह बैलेट पेपर से वोट दिए जाएं और वोट गिने जाएं, तो वोट गिनने वाले कर्मचारियों की क्या हालत होगी और कितने समय में ये वोट गिने जाएंगे। हमारे देश के नेताओं को संवैधानिक संस्थाओं से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। पिछले कुछ वर्षों में आपने नोट किया होगा, अगर विपक्षी दल चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें ईवीएम में कोई कमी नजर नहीं आती, यही ईवीएम उन्हें अच्छी लगने लगती है। लेकिन अगर वो चुनाव हारते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ईवीएम में सेटिंग की गई है और भारत में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। 3 चरणों के मतदान के बाद हमारे देश में कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम में सेटिंग होने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सच ये है कि इस तरह की राजनीति करने वाले नेता सिर्फ सरकार और चुनाव आयोग पर हमला नहीं कर रहे, ये लोग भारत के लोकतंत्र और जनता के भरोसे पर भी हमला कर रहे हैं, जिसका परिणाम बुरा हो सकता है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसके लिए इंडोनेशिया के चुनावों का अध्ययन जरूर करना चाहिए।